Guys, welcome to another vlog. ये देखो आप यार, तू दिख नहीं रहा, अंधेरा ज्यादा है ना। दिख रहा। मजाक कर रहा हूँ। और आज फाइनली आपने पहली बारी देखी होगी यूके की गाड़ी आई हुई है, और यूके से ये सीधा देहरादून से आई है गाड़ी, लेके आया है उसको उज्जवल, क्योंकि उज्जवल अब हमें लेके जाने वाला है। व्हील्स दिखाए उज्जवल के? नहीं, उज्जवल के व्हील्स, उज्जवल व्हील्स दिखा दिया यार अपने गाड़ी के व्हील्स। अच्छा, गाड़ी के व्हील्स, ओके ओके, दिखा यार फ्लैश तो ऑन कर। वो भी कितने अच्छे आ रहे हैं, नहीं उनको चलता हुआ देखियो भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इनको चलता हुआ देखियो, रात को मजा आ रहा है। क्या बात है यार, कब लिए? और ये मैं यही वाले लेने वाला था, बट ये भारी थे, 11 किलो के थे। तो क्या हो गया भाई, सुंदर कितने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। उज्जवल टायर सीधा करियो, बल्लू। इज दिस द सेम कार व्हिच इज रनिंग ऑन रेवो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? करेक्ट, टीवीएस। आई थॉट दिस वाज ऑन रेवो। रेवो का सिर्फ एंटी रोल बार है और बैज है। इसकी सारी गाड़ी पे रेवो का बैज होता है भाई। बहुत अच्छी लग रही है यार ये, बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, उज्जवल की गाड़ी आज फाइनली आई है। उज्जवल यार, एक बार बता दे क्या प्रोड्यूस कर रही तेरी गाड़ी? अराउंड 340-350। एंड व्हाट्स द टॉक अबाउट? 500, अबाउट 530। 530, या मैन, या गुड 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 गुड। एंड हाउ मच इज योर प्रोड्यूसिंग? 350 520 520, प्लस हैवी व्हील्स, हैवी अलॉयज। इसकी गाड़ी फास्ट है, इसकी फास्ट है 95 ऑक्टेन पे। अच्छा, 95 ऑक्टेन पे ना। हाँ, इन्होंने ऑफ कैमरा पहले रेस करी हुई है एक बारी। आज ये लॉग्स भी लेंगे, वो वाला डेटा भी डाल दूंगा मैं, तुम्हारा डाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राई डेटा जो होगा, मेरे तो डाल ही दे। नहीं, तेरा तो पता ही है फास्टेस्ट वाला जो टैग लगा हुआ है, तू तो बोलेगा ही डाल दे, लेकिन आज का जो होगा डेटा वो भी डाल दूंगा। और इन दोनों को साथ में पुल करके भी देख लेंगे कि दोनों में से क्विकर जो है ये रेड वाली कितनी ज़्यादा क्विकर है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी बस वेट कर रहे हैं हम, और दो लोगों का, वो दो लोग आएंगे फिर हम निकलते हैं। अरे ये ब्लॉग में नहीं लेना, अबे ये ब्लॉग में नहीं लेना। गाइस, उज्जवल, ये रोहित और आर्य 1.5 स्लाविया मैनुअल ट्रांसमिशन। हाँ, तो ये आ चुका है। हाँ, क्या कह रहा है? ऐसे गाड़ी बड़ी अच्छी तेरी यार, सीखो। तो अभी ये आ चुका है, इसकी स्लाविया आ चुकी है 1.5। हम ये तीन गाड़ियां लेके जा रहे हैं फिलहाल, और दीक्षांत जो है हमें वहीं पे डीएनडी पे ज्वाइन करेगा। हम जा रहे हैं ड्राइव पे, पता नहीं बीटी दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन वो बीटी देता नहीं है वैसे, ऐसे यूजुअली ये काम विवान का है, और विवान आज नहीं आ रहा। विवान की रोहित से लड़ाई हो गई, तो रोहित ने उसको आने नहीं दिया आज, है ना? कुछ भी, उज्जवल जो है उसको थोड़ा सीन हो गया वहाँ पे, उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है उसकी, तो इसलिए अभी बिजी है थोड़ा। देखो कैसे शर्मा के बात कर रहे हैं, देख एक बंदी से बात कर रहे हैं। तो बस अभी इसके लिए लेके आ रहा हूँ ऊपर से प्रोक्टेन, इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, ऊपर से ले आया हूँ मैं इसके लिए ऑक्टेन बूस्टर प्रोक्टेन, ताकि इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। कितनी 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 कितने ऑक्टेन बढ़ेगा इसके में? इसकी कितनी कितना टैंक फिल है तेरा अभी? अभी 65 वो दिखा रहा है, 65 की रेंज है। तो एक काम करेंगे, 1000 रुपये का ऑर्डर लाएंगे, तो तेरा अप्रॉक्सीमेटली 4 ऑक्टेन के आसपास बूस्ट हो जाएगा। हाँ, सिंगल वो है ना, नॉर्मल डाल रखा है कि 95? ये तो कम है फिर, इसके हिसाब से तो 100 रुपए की बॉटल होनी चाहिए। अभी तो 95 डाल रखा है कि नॉर्मल होगा ना, 95 तो 95 डालने लग गया था। हाँ, इसको बोला तो था उस दिन हमने, भाई मेरे को उससे 4 रुपए का तो फर्क है शायद। बहुत अच्छी खुशबू आती है भाई, मेरे को मजा आता है। इसके मामा का है तो सबको ही पता है, इसको कमीशन मिलता है। कौन सा कमीशन मिलता है भाई? कमीशन यार, फैमिली सपोर्ट है ना भाई। अप्रोक्सीमेटली 99 ऑक्टेन के आसपास पे रन करेगी है, अगर इसमें 1000 का और फ्यूल डल जाएगा तो। अगर इसकी रेंज अभी 65 पे जो डल गया है अभी, ये 101 ऑक्टेन के आसपास अप्रोक्सीमेटली होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, एस्टिमेट ही बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ थोड़ा। लेकिन इसके बाद अभी थोड़ा सा फ्यूल भराना पड़ेगा हमें, क्योंकि रास्ते में रास्ता लंबा है। हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे जाके इन दोनों गाड़ियों की ड्रैगिंग करेंगे, देखेंगे कि किसकी गाड़ी की टाइमिंग कैसी आ रही है। भाई इसका रेसिंग लाइन भी अच्छा लग रहा है, पर एक कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा गाड़ी को। सुन, ये पता कितने का आता है? एक गैस मार, 16,000 का। अबे 4,000 का, मेरे को लगा भाई बहुत ही ऊपर होगा, फिर भी भाई बहुत महंगा यार। यू गॉट दिस कॉस्मेटिक फॉर? अबे कॉस्मेटिक दिखाओ तुझे इसकी गाड़ी के इंजन बे में, वो तो देखा है मैंने। हां ब्रो, ऑल दोस प्लग्स एंड स्विचेस। तुझे एक चीज देखो, तू पागल, कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाख रुपीस लोडिंग था, 30 लाख रुपीस की लोडिंग है 35 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर। यार ये देखो यार, ये है रियल जेम मैन, जेम ऑफ एन इंडिविजुअल यार। ये तो आपका बड़प्पन है, क्रेजी इंडिविजुअल। दुकान हो तो यही होता है ना भाई, भाई खुद की दुकान, क्या पैसे नहीं लगते क्या खुद की दुकान के?
और क्या, ये नहीं समझेगा यार, घड़ी के गुलाम नौकरी। हाँ वही वही वही, डॉक्टर आदमी क्या समझेगा ये। दिखा दे भाई एक बार इंजन में, इंजन में दिखा दे यार, खोलियो। रॉयल ओपन इट यार, नॉट एन इशू बेटा, इंपोर्टेड मामला वहां से मिलेगा, फ्रॉम दैट साइड मैन। ओ यस यस, दिस इज 245 या ओ आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। कैन आई रिमूव दिस वाटर बॉटल? आई विल डू दैट। ओके ओके, वी विल कीप दिस ऑन दिस ओनली 16 लाख रुपीस लोडेड कार। या छोटी बात की, स्ट्रट्स लगा दिए, शाबाश। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, और अब धीरे धीरे आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देख भाई मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये 11,000 रुपए का ढक्कन, 10,000 रुपए का ढक्कन, 14,000 रुपए का ढक्कन। इसकी जो डिपस्टिक है, ये पूरी डिपस्टिक ही मिली होगी ढक्कन भरना, मतलब 14,000 रुपए। ये होगा कम से कम 20,000 रुपए का ऑयल फिल्टर कैप तब गरम है। ये देखो भाई, और इसके अंदर लिटरली ये ढक्कन ढक्कन है, इसमें जो रेसिंग लाइन का लगाया है, लाख रुपए का ढक्कन ढक्कन है। ये शॉक की कोई कीमत नहीं होती यार। दीज चार्ज पाइप्स फ्रॉम एपीआर, दैट थ्रॉटल बॉडी पाइप, नहीं होता सिर्फ ये देखने के लिए किया है इसने सिर्फ। थ्रॉटल बॉडी पाइप ओवर देयर इज फ्रॉम ईसीएस ट्यूनिंग, दिस इज फ्रॉम फोर्ज। And these are all APR coil packs. Yeah. And you copied them from Rohit, if I'm not wrong. Yes, correct, man. Correct. And this is the Go Fast Bits DVX. Copied. Okay. Okay. Again, copied. Yeah, this is not copied. This is not DV. This is something else. Yeah. So you don't have a DV in this car. I have. This is a BOV. So yeah, all of this is costing about 30 lakh rupees. Yeah. Not all this. Oh, and we also have handling mods. Yeah. Handling mods, cosmetic mods. Cosmetic mods, handling mods, all of it will cost around 30 lakh rupees. Electrical mods. Yeah, please continue. You were about to say something. ADAS. ADAS ke liye radar hai is gaadi ke andar. This grill has been changed. Yeah. This is the Lauren and Kevin grill. So then, you're calling Mr. Bharat. Yeah. Bharat Somani, correct, sir. Correct. Okay. But I'm still running on my original engine. Okay. Engine so you don't have four spare engines. No. Okay. I don't have that much money. Okay. So without a DTR. Yeah, I'm without. Without DTR. A DTR. This and यहाँ पे lane change भी तो है तेरा? Yes. OEM lane change. ये रहा, ये रहा. OEM इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. Then I'll show you. Adaptive cruise control. The OEM 3-zone ambient light. Yeah, which also comes in Audis. Yes, you can change it as per the color of this mood lighting. Okay, okay. And And then I have a frameless. Which cost? 32,000. Huh? 32,000. 32,000 का IRVM. Yes. क्या बात है यार? IRVM. Then APR throttle booster. And, and you've got this full send. Yeah, this adds 20 horsepower. 20 horsepower. Yeah. Damn, bro. Crazy, crazy mods on list, man. Thanks, buddy. And then this Maxton rear diffuser. Balance. This is not a diffuser. Yeah, so, so this is actually functional. This is not like yeah. Then I have this carbon K-brace from Racing Line. I remember you were installing this the other day when I was talking about who will sleep over here and are you making a bed? No. That must be wrong. Okay. So then. And yes, these alloys. ये जो बहुत सुंदर alloys हैं. 8.5J Japan Racing के. Japan Racing के इसके alloys ये approximately 2 lakh रुपए के. 1.5. This costs rupees 4,000. सारा का सारा build जो auto cycle से हुआ है. This thing over here, this has 50 horsepower. 50 horsepower. Okay, okay. ये सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है इसकी गाड़ी के अंदर. कुछ ऐसा ही काम, बहुत crazy काम आर्या करवाने वाला है अपनी Slavia के अंदर. And इसकी Slavia भी one of a kind होने वाली है. Stage 2 Revo होने वाली है बहुत जल्दी. इसका turbo जो है, turbo जो है वो भी change होने वाला है. कौन सा लगवाने वाला है तू? IS-38 in a Slavia 1.5. That's crazy shit, man. That's crazy. तो अभी बहुत कुछ नहीं, एक्चुअली गाड़ी ट्यून कराने वाला है. इसने बोला कि ये ट्यून तब कराएगा जब मैं कराऊंगा, और मैं तो कराने ही वाला हूँ. आप सबको बताइए, वाटर जीटी को ट्यून कराऊंगा मैं, ऐसा मुझे आर्यन ने पूछ लिया. टीसीयू की जरूरत थोड़ी नहीं, तो मैनुअल है. हाँ नहीं तो ईसीयू, लेकिन वो है ना, वो कोई टेंशन नहीं है. लॉक हट गया उसका. अरे वो सब कर देता है. ऑटो साइक इज द ओनली वन हु इज डूइंग इट इन इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो, जीटी इज नॉट डूइंग इट एनीमोर. कर रहा है. तो गाइस अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से. बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया. इसके अंदर बहुत सारी और लोडिंग है, लिस्ट में वही दिखाऊंगा एक ही बारी में. एंड एग्जॉस्ट भी है, डाउन पाइप है, स्ट्रेट पाइप है, कितनी सारी चीजें है. कौन सी आर्मी ट्रिक्स? ओके ओके, वेलकम वेलकम.
So this car has. Can you please switch on the light? You're not visible. You're looking like Rohit. Oh, is it? That was a racist comment. Sorry. I can manage. So this has a resonated catback from Miltic Sport UK. Okay. And an Armitrix DCAT downpipe along with the GPF delete. So how much did it cost? Miltic about 2 lakhs. Yeah. Armitrix downpipe about 1.5 lakhs. Okay, that's decent enough. Yeah. Considering how much you've spent on the cosmetic mods. Correct. Rip. And what's the map it is running right now? Auto TVS. Pro. Sorry, TVS. TVS. Yeah. And साले ऑटो प्रो तो नहीं डालना है साले तो भाई वो फेल देगा ये हराने के लिए लेके आया रोहित को ये मेरे को लग रहा है चुपचाप से मैं यही करता हूं एंड करंट या जोर जोर से बोल गए सॉरी स्क्रीम नहीं बता अभी तो आई एम ऑन नॉर्मल 91 ऑक्टेन 91 भाई सो चीप यार वो मिला ही नहीं था मैं गया हुआ था आई विल ऐड सम प्रोक्टेन टू यू श्योर मैन ओह या आई विल डू इट प्रोक्टेन एवरीबॉडी बाय प्रोक्टेन या कांटेक्ट ऑटो साइक फॉर प्रोक्टेन या वो जोर से याद करता तो इंग्लिश में पूजल और मेरा थोड़ा अलग है यूके रिटर्न है ना वो यूके रिटर्न चलो भाई पढ़ाई करके आए निकलते हैं बहुत देर हो चुकी है बहुत सारी बातें हो गई निकलते हैं स्लाविया में चलाने वाला हूँ आर्य जो है वो आज बैठेगा कैमरा बॉय बनेगा वो और भाई ये तो मैं चलाऊंगा भाई क्या बात है यार बाइसेप मार रहा है ढंग से चलाया कर रेस तो लगाई नहीं वैगनआर से रेस को लगा रहा था देखी नहीं भाई मैंने देख आगे से मेरी लो है ना पीछे से इसकी अभी कोई रेस नहीं लगा रहा था उधर वो पागल बना रहा है सीधी मेरी ऐसे कैसे चला रहा है ये अच्छी तो चला रहा था बहुत गाइस आ रहे हैं कि ड्राइविंग से रोहित डर गया जबकि वो उसके साथ बैठा भी नहीं हुआ था और अभी फिलहाल मैं इसकी गाड़ी से निकल के इसके साथ बैठने वाला हूँ और रोहित की गाड़ी के अंदर मैं इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि भाई जिसकी ड्राइविंग पे ज्यादा भरोसा उसके साथ बैठ जाना चाहिए चुपचाप जाके भाई क्या खतरनाक गंदी चलाई है साले ने मेरी फट गई थी यहाँ पे भाई पहली बार मेरे को लगा कि यार ये ज्यादा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये नितेश के अलावा मेरे को दूसरा बंदा लगा भाई बहुत नितेश भैया के अलावा मैंने एक बार मन करा मैं भगाता हूँ दिखाता हूँ इसको मैं नहीं ये गंदी ड्राइविंग है गंदी ड्राइविंग नहीं होती थोड़ा वो अच्छे घर से लड़के हम तो अभी भाई बेल्ट वेल्ट लगा रही है ला कर भाई तू तो भगा ले वो ले आएगा फिर स्लाविया फिर क्या करेगा तू गंदी नहीं चलाते 70 की स्पीड वाली रोड पे एक सेकंड रुक जा अच्छा कॉपीराइट हां 70 की स्पीड वाली रोड पे 150 चला रहा था गंदी नहीं भगाता वो गाड़ी को लगती 5 6 सेकंड अब 150 बाद में तो क्या सही बात है स्कॉर्पियो एन तो यार स्कॉर्पियो एन लगती है एक स्टॉक स्टार है ना आगे से उससे ऊंची है गलत बातें कर रहा है यार गलत बातें क्या कर रहा हूं आगे सच कह रहा हूं एक स्टॉक स्टार है सच में उससे ऊंची है क्या लॉयज एक बार आपको मैं मोशन में दिखाता हूं कितने सुंदर लग रहे हैं वही चीज लग रही है मेरे को जो पर्सनली थोड़ा लग रहा है कि जे थोड़ा ज्यादा मोटा है इसका बहुत स्टार्स अबे राइट लेफ्ट का जा रहा है ये राइट लेफ्ट में सीधे तो जा रहे हैं हां वही ना इसका इंडिकेटर दिया था मुझे लगा मित्र वहां जा रहे हैं अभी भी पकड़ रहा हूं ये सी ऑन में दो जन हो गए 100 ऑक्टेन बहुत तेज है 100 ऑक्टेन वीडियो डिलीट ओए स्लावे अरे आ रहा है कि वाइट से सिल्वर से वाइट का ओए क्रूज ऐसा कैमरा को बोलना ना नहीं सच में 95 अच्छा, है तेल आधा 100 है इसने नहीं करा ना चेंज क्योंकि आधे आधे में फिर दिक्कत होती है हां हां गाड़ी को दिक्कत होती है वो कोई बात नहीं फिर वो ड्रैग कर रहे थोड़ा ना है जय हिंद जय सो गाइस अब फाइनली थोड़ा सा लगता है पुल वुल करने वाले हैं आर्य के साथ चीटिंग करके भगाई यार ये तो अरे हाँ यार ये तो गैप कर रहा है दो लोग भी तो है हम पक्का 100 ऑफ 10 पे सो 100 ऑक्टेन प्लस प्रोक्टेन और जस्ट 100 ऑक्टेन दोनों छोड़ना क्या पता क्या अब वो तो खैर स्पेकुलेशन ही है मेरा वेट भी तो एक्स्ट्रा है भाई दोनों दोनों हाँ 85 है अभी मेरा 86
शिफ्ट में कैसा आगे निकल रहा है, लेकिन ये देखो ऐसे स्ट्रेस में आ जाता है इंसान जब तू और कौन कौन शक्ल देखो अपनी, ये देखो ये देखो ये प्राइसलेस एक्सप्रेशन है इसकी शक्ल देखो भाई, उसकी गाड़ी में उज्जवल के साथ नहीं नहीं उसके बारे में ना। चलो यार अभी तो रिजल्ट ही रह रहा है कि रोहित इज द स्लोअर वन, रोहित इज द स्लोअर वन, रोहित इज द स्लोअर वन। दो आदमी है भाई, और एक और चीज हमें लग रही है, ऐसा उसने बोला है कि तू 100 ऑक्टेन पे है, हाँ ऐसा बोला है उसने, और साथ में प्रोक्टेन भी लग रहा है। हाँ सही है, आगे चला गया उसकी रुकी नहीं होगी ना। हाँ क्या हुआ भाई, कीप अप कर रहा है वो, ये नहीं देख रहा तू भाई, वो कर रहा है वो बहुत तेज आम से। जिस दिन उसके पास 200 BHP आ गई ना, उस दिन तो वो सीधा नितेश भैया की कैटेगरी में है बंदा, वो भाई नितेश से भी आगे है कदम। ये तेरी गाड़ी का हो रहा है अभी, वाइस की गाड़ी का, वाइस अभी इसकी उज्जवल की गाड़ी का ड्राइव ही हो रहा है, मेरे को पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा ये ऑन है अभी, तो ट्रैक्शन ऑफ है भाई। अच्छा ये क्या, अच्छा वो है लेने सिस्टम भाई, इसका ही कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी इसका ड्राइव करने वाले हैं, देखते हैं इसके टाइम्स क्या आते हैं, कितने पे 95 ऑक्टेन पे ये, हां 91 पे, 91 नहीं यार 91 नहीं हो सकता ये, हां ठीक है नहीं है भाई, रोहित की गाड़ी के भी यही करे क्योंकि लीस्ट वेट इसी का हम सब में से इसका। और अभी मैं जा रहा हूँ आर्य के पास, आर्य तू चला रहे, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, ठीक है कोई टेंशन तो नहीं है। चलो गाइस अब मैनुअल चलाएंगे 1.5। इस गाड़ी के अंदर कीड़ा आ गया, ये देखो दिख रहा है आपको, मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि गाइस आदमी तो है ही नहीं है। क्या आदमी, हमें पागल लगे मेरी तरफ की बैग रहे ओए, ये देखिए देख, ये रहा ये रहा, अबे ये रहा यार, निकल गया निकल गया निकल गया, चल 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 भाई, ये बड़ा तेज था यार, 1 सेकंड के अंदर आगे बैठ गया, बड़ा 14 हां 1 सेकंड के लिए रुके भाई, हम उसके अंदर ही आगे बैठ गए, इसको भी हाइपर ड्राइव पे जाना होगा। इकोनॉमिकली चलाएंगे गाड़ी, आराम से चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, M5 M6 इजी गोइंग, आराम से 15 की एवरेज निकालेंगे, और क्या, वी नो वी आर द फास्टेस्ट ऑफ देम, ड्राइवर तो ही फास्टेस्ट, दैट्स ट्रू ब्रो, गोज अनसेड, क्योंकि यार अब द्वारका में रहो, गुड़गांव में रहो, बड़ी बड़ी सड़कों की आदत होती है, तुम इतनी ज़्यादा शार्प कटिंग और ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो, जब तुम किसी कॉम्पैक्ट स्पेस में रहते हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से डायमेंशन पता होते अपनी गाड़ी के, यार ये तो ऑफ कर दिया, मंगोलपुरी में रहते हैं, हाँ मंगोलपुरी में रहते हैं हम, तो थोड़ा सा हो जाती है प्रैक्टिस यार, इसकी ये स्पीड चैन तो बंद कराए, तू कैसे चला रहा है 120 के ऊपर, स्पीड चैन इरिटेट करते यार, अटेंटिव नहीं लगता, मेरा दिमाग खराब होता है इससे तो। चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ गाइस, अभी एक बार बाहर से इनकी वीडियो बनानी है क्योंकि उज्जवल जो है अपेरेंटली हार चुका है, ऐसा रोहित ने बताया, देखते हैं ज़रा, हम शायद 120-130 पे चलते हैं, ले वीडियो रिकॉर्ड कर, एसी ऑफ करते हैं और ट्रैक्शन एक्शन ऑफ नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वैसे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। Like
लेकिन पहली बार जी फोर्स फील हुआ मेरे को अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैं ऐसे था ना। लेकिन पटाखे जो मार रही है ना उस दिन 91 पे भी मार रही है। अबे रोहित आगे था यार, क्या हुआ? तू था आगे, पूरे रेस में तू आगे था, पता है मुझे। अबे तो 100 राउंड पे है साला, 100 राउंड पे है। हां बहन चोद, सच्ची बता, मेरे को पता है तो गाड़ी पटाखे मार रही है मेरे डैश। नहीं पटाखे तो 90 आ जाएंगे, रुक मैं कोने में खड़ी कर रहा हूं, कोने में खड़ी करने दे भाई। ये समझ आया अभी कि रोहित जो है झूठ बोल रहा था, उज्जवल में नाम डाल रहा है वो 100 ऑक्टेन का, जबकि वो खुद 100 ऑक्टेन के ऊपर है। ये 100 ऑक्टेन पे है ना, पता पूरी वीडियो में क्या बोला रोहित ने, ये झूठ बोल रहा है, ये 100 ऑक्टेन के ऊपर है। डिस्क्वालीफाई करो, समझ गया ना तू, ये चीटिंग कर रहा है तेरे साथ। अरे भाई मैं इसको मैंने फोन करिए शॉट 100 टू 200 आ रहा है। अब आई होगी, हेलो भाई जी, मुझे ड्रॉप पे मार दे, इसको दे जाएगी, किसको भाई को दे, क्या इसके 100 टू 200 आएगा, ये नहीं आएगा। आए तो गाड़ी दोस्तों की बैठे बना रहा हूं, किलोमीटर का 203 आता है ना, एक्चुअल 194 195 है। ए क्या कर रहा है, तुम कर रहा है वो दिखा रहा हूँ तेरी काली कर, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, चीटिंग कर रहा है। नहीं उसको पता, उज्जवल को बता देना 100 ऑक्टेन पे, नहीं उज्जवल को तो पता है, उज्जवल को पता चल गया जैसे बाकी लोगों को, जैसे गाड़ी पटाखे मार रही है। अरे पीछे से पटाखे मार रही है हां, और वो 200 अगर 230 के ऊपर जा रही है गाड़ी तो 100 रन है भाई। तूने मेरी कितनी कितनी बोल की मैंने, क्योंकि 270 180 190 ऐसी चल रही थी, 260 260 तो ठीक है यार, इतनी तो नॉर्मल होती है गाड़ी, इतनी जानी चाहिए। उज्जवल तो 17 इंची डालेगा ना तेरी गाड़ी, बहुत सही है। हाँ यार उज्जवल, आई थिंक योर कार इज लैकिंग बिकॉज ऑफ द अलॉयज, दे आर प्रीटी हैवी। गाइस अभी स्टारबक्स पी रहे हैं हम, पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हम आते हैं, ये कौन सी जगह है, हाँ सॉरी जेवर आ गए हैं, 10 बज रहे हैं अभी, और यहाँ से अभी एक घंटे की और ड्राइव होगी वापस की, अभी पियेंगे जाके स्टारबक्स। मेरे आगे से थोड़ी लोग है बट तेरी पीछे से है। क्या चालू भाई, चलना नहीं है क्या? हाँ आई एम सिटिंग इन दिस रेड VRS। So guys, अब आपको जो भी सारी कॉन्वर्सेशन सुनाई देगी वो सारी केरला फ्रेंडली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अच्छा इसके पटाखे भी होंगे, हाँ हाँ ओए होए VRS या, मैंने अभी बोल दिया व्लॉग में अब केरला फ्रेंडली लैंग्वेज साउथ फ्रेंडली लैंग्वेज में व्लॉग होगा आगे का। इट्स यूजुअली लाइक दैट विद अस, या वी बिलीव इन इक्वालिटी, वी आर नॉट लाइक रोहित। हे ब्लैकी डू दैट, गरम हो गया होगा, हाँ प्लीज सिट, ओके ओके आई विल सिट, आई विल सिट।
big time. Oh, man. Just too raw. Yeah, too raw. Yeah. Too raw. How to behave in a civilized way. Yeah, exactly, man. Ideally, you should have been disqualified for today, man. Yeah. Doesn't deserve to be a VRS owner, man. Correct, man. He is good enough for 1 liter rapid only. Yeah. You reveal it, man. That's not. Bro, can I just reduce the volume sure, a bit? Yeah, I'll just do that. Okay. I understand because of copyright. Yeah, copyright, yeah. Okay. You know how media works, right? Yeah. 50 horsepower, man. So you're increasing 50 horsepower by turning off the AC? Correct. Ye dekho kya kiya hua hai is bhai ne. पैसेंजर एयरबैग ऑफ करके बैठा हुआ है, मेरे को अभी रियलाइज हुआ है। तरीदा तेरे को बुला रहा था। ओ भाई, ऑन कर इसको। हाँ ठीक है अब। भाई ये सही आदमी यार, तू गलत। 245 रिस्की भाई। This can't be done in that. 30 cheap 230. Cheap. Yeah. VRS mode भी नहीं यार उसमें। बस इसके अंदर ही अपग्रेडेड स्क्रीन में क्या कुछ नहीं अपग्रेडेड, अभी हम बैठे हुए थे। VRS mode, okay, sport. So are you going to floor it? Of course. Oh, bhai. आपको इतनी ज्यादा अच्छी हिसिंग साउंड आ रही होगी ना इसकी, मजा आ रहा है इसको ना सुनने में ही, मजा आ रहा है थ्रॉटल छोड़ते ही। अब रोहित चाह रहा है कि वो हाँ रुक जाए ना डाइवर्ट हो गया साइड से, मत बता पुल लेंगे। अरे नहीं नहीं यार, नॉट नाउ। ओके बड़ी, आई विल कैच अप विद यू लेटर। ओके ओके ओके। क्रेजी ड्राइविंग मैन, irresponsible man. This is not how we should drive on highways. These two guys are. What are they doing? Oh, race lagi aa rahi hai. Oh, arya ko dabaya usne aa rahi hai. Haan pata hai mereko. Ghanta wale. Ye Rohit mein lag gaya piche. ट्राइंग टू कैच अप विद अ क्रेटा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुप्रीमली क्विक है। पकड़े नहीं पा रहा हूँ इसको। हाँ यार। स्टेज टेंट ही होगा। स्टेज टेंट। ऑन दैट 1.4 TGDI इंजन। प्रोड्यूसिंग लाइक 900 ऑड हॉर्सपावर। आई थिंक एंड दैट टू ऑन क्रैंक। An Indian automan. You don't know that. But like us out in the night. Yeah, it's time for us to enjoy the ride. Yeah, buddy. It's Independence Day. And they are stealing our independence, yeah. I think he's gone too far, man. Too far.
भाई लोग बोलेंगे कि ये स्पीड तेज करी है वीडियो की। गाइस सारी रियल टाइम फुटेज है एंड द कार इज ऑन 70-80 किलोमीटर पर आवर 90-100 अलग से टिपर मार गाइस मिल गया क्रेटा वाला ना अलग से दिख जाते टिपर ऊपर मारते हुए और हम उसको ऑलमोस्ट 3 या 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकले हैं पकड़ने के लिए। बार बार तो लगेंगी ऑप्शन नॉर्मल एंड स्पोर्ट और अभी जैसे मैं 120 में ज्यादा कुछ करूंगा अपनी कैमरा पे लेकिन और मैं इसको लेन भी जैसे चेंज करता हूँ और ये बहुत इजीली लेन चेंज करती है। इसके अंदर फील नहीं होता कि गाड़ी इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। ड्राइवर को तो फील नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन पैसेंजर्स को तो पता चल ही जाएगा कि हाँ कुछ तो हुआ है गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल स्टीयरिंग का वेट भी मेरे को 230 से अप्रॉक्सीमेटली 15-20% ज्यादा ही है। हाँ है ना, स्लो कार बड़ी It will take him ages to, you know, catch up with us. Whatever, 90 pace throttle do, AC off to do. Iski GPF hai isme? Nahi. Bhai, bahut farak hai. Iski jo power band hai na, bahut wide hai. Bahut wide feel ho raha hai. Plus, aisa lag raha hai delivery throughout hai. लेकिन गाड़ी पुल हो रही है, स्पीड देख के पता चल रहा है 180-190 इजीली पहुंच रही है और ये बहुत इजी पुल था। मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी को मुश्किल हो रही है पुल करने में। चेक नाउ, आई विल जस्ट पुट इट इन स्पॉट मोड में, सो या जस्ट चेक इट नाउ 100 व्हाट डू यू फील
उज्जवल जा रहे हैं। यही थी हमारी ड्राइव आज की। ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटे छोटे से पुल्स थे। इन्होंने जो पुल किए हैं वो भी छोटे छोटे थे, 260-270 तक के थे। ज़्यादा गाड़ी नहीं भगाई मैंने तो, बिल्कुल भी नहीं भगाई। मैं तो बैठा ही हुआ था गाड़ी के अंदर, स्लाबे में बैठा था। और आ रहे की ड्राइविंग भी बहुत सेफ है। ये निकल रहा है यहां से, रोहित बाहर ही खड़ा है, वो गली के अंदर नहीं आया। वो डर जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर कुछ हो गया था यहां पे एक बार जब वो आया था। इट्स अ सीक्रेट, कैन नॉट बी येल्ड आउट ऑन यूट्यूब। अभी मिलता हूँ मैं इससे आराम से, इसकी ऑल व्हील ड्राइव ऑक्टावियो वीआरएस के देखने के लिए। गाड़ी कब दिखा रहा है भाई? टुमारो, कल? ठीक है, कल आ रहा हूँ मैं। ऑलराइट बड़ी, ओके भाई, टेक केयर, सी यू, बाय। गाइस यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम वीडियो। बाय।